इस गांव में एक ऐसा लालची आदमी रहता है जो दौलत के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अरे ये रामदास तो एक नंबर का कमीना निकला। लोभ के मारे बीवी बच्चे को छोड़कर भाग गया। देख लेना ये दूसरी शादी करेगा। दूसरी शादी? पर बेटी कौन देगा उसको? सुन लो चौधरी, अजी खान साहब यहाँ एक जंगल का ठेकेदार आया था बंबई से, इन्हीं की जात वाला। उसकी एक बेटी है बड़ी उम्र की। अरे वो अंधी लड़की? जी हाँ अंधी लड़की, समझ गए आप? आज बहुत बरस बीत चुके हैं। रामदास की औरत दूसरे ही दिन मर गई, पर उसके बच्चे का क्या हुआ, कौन ले गया, यह आज तक किसी को नहीं मालूम। जय जय लाला जी। जय
क्या बात प्यारे, आज तो जी खुश कर दिया तेने, बड़े मौके से माल लाया। बोल क्या दूं? मजूरी। मजूरी? पहले मजूरी एक पंजा। क्या कम है? तू भी क्या याद करेगा, ये रहा दस्सा। अबे तो क्या घर लुटा दूं? बोल क्या चाहिए तुझे? इक्का। एक रुपया? पूरा एक। मेरी रोजी हलाल की खाए हराम की छोड़े, माँ कहती है। अबे जा बुद्धू, जैसा तू है वैसी तेरी माँ है। आजकल तो लोग काम करते हैं कम, दाम मांगते हैं ज्यादा, इसीलिए दुखी हैं जैसे तुम। और तेरे जैसे मूर्ख काम करते हैं ज्यादा, दाम मांगते हैं कम, इसीलिए सुखी हैं जैसे हम। अरे चल चल, देखे सुखी की सूरत। लाला जी मेरी सूरत न जानना, यह है पते की बात। ये देखो, ये रही रोजी। बोलो हाँ। रोजी रोज कमाई रोज खाई, लेकिन ये फालतू माल जी का जंजाल, जो कमाए सो पछताए, जो खाए सो मर जाए, बाकी रहे हाय हाय हाय, लेकिन हाय हाय हाय, लेकिन हाय हाय हाय। अब जा दीवाने, बड़ा मेडल लगाया फिरता है और ऊपर से पते की बात कहता है। पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दीवाना, पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दीवाना। मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना, पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दीवाना। कुछ देर है प्यारे, नहीं अंधेर है प्यारे, जो तुझको ना दिखाई दे, नजर का फेर है प्यारे। वहाँ कुछ देर है प्यारे, नहीं अंधेर है प्यारे, जो तुझको ना दिखाई दे, नजर का फेर है प्यारे, नजर का फेर है प्यारे। तू बहकावे में नाना है, उसका सब जग जाना, मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना, पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दीवाना। काम चलाना, मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना, पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दीवाना। जो ना तलवार से होगा, वो पल में प्यार से होगा, न कर पाएंगे जो लाखों, वो एक दिलदार से होगा। जो ना तलवार से होगा, वो पल में प्यार से होगा, न कर पाएंगे जो लाखों, वो एक दिलदार से होगा, वो एक दिलदार से होगा। सभी से प्यार निभाना है अपना चलन पुराना, मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना, पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दीवाना। मेरी सूरत पे न जाना, मेरी सूरत पे न जाना, पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दीवाना, पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दीवाना, पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दीवाना। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सरकार। आदाब अर्ज़ हजूर। गुड मॉर्निंग सर मायादार। गुप्ता जी आ गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है सर। पहचान लिया आपने, ये वही रामदास है, लेकिन नाम बदल चुका है बरसों पहले। अब रामदास नहीं, मायादास। लाखों की माया बटोरी,
अंग्रेजी सरकार से सर का खिताब हासिल किया और अब ये आदमी कहलाता है सर माया डॉस। जिस अमीर आदमी की अंधी लड़की से इसने शादी की थी वो एक दिन अचानक मर गया, उसकी सारी दौलत इसके हाथ लग गई। फिर एक दिन वो अंधी औरत भी अचानक मर गई और उसकी दौलत भी इसी के हाथ लगी। और अब इसकी नजर कंपनी के सीनियर पार्टनर मिस्टर गुप्ता की जायदाद पर है। गुप्ता की एक ही एक लड़की है, वो भी नाबालिग, मिस कामिनी गुप्ता। लड़की तो महेंद्र है और मिस्टर गुप्ता को है हार्ट ट्रबल, इसलिए आपके हुक्म के मुताबिक मैंने मिस्टर गुप्ता को मशवरा दिया है कि वो अपनी सारी जायदाद की बिल बना दे, आपको लड़की का गार्जियन मुकर कर दे और आप ही को सारी बिल का सोल एग्जीक्यूटिव बना दे। तो फिर बिल तैयार है और दस्तखत भी हो चुके हैं। शाबाश चोपड़ा, वकील हो तो ऐसा हो। पूरी शाबाशी, इनाम भी मिलेगा। वक्त आने दो। ये है मेरी बिल और ये है उसकी नकल, लो पढ़ लो। लेकिन वादा करो मायादास कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कामनी को तुम ये महसूस न होने दोगे कि वो बिना माँ बाप के बच्ची। आप कैसी बातें कर रहे हैं गुप्ता साहब, आपको कुछ नहीं हो सकता। ओ, ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि अभी 10 साल तक मैं टस से मस होने वाला नहीं, लेकिन हार्ट ट्रबल के मरीज का कोई भरोसा नहीं। तो आप फिक्र क्यों करते हैं गुप्ता साहब, मेरा भी इस दुनिया में और कौन है। कामिनी आपकी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। थैंक यू मायादास, थैंक यू वेरी मच। तुम मेरे बिजनेस पार्टनर ही नहीं, दोस्त हो, भाई हो, अजीज हो। गुप्ता साहब, क्या हुआ आपको? तस्वीर शीशी है वहां, जाओ जल्दी ला पाया था। जल्दी लाओ। सो सॉरी गुप्ता साहब। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको राजकुमार की बात कल बताऊंगी, अब बस। मिस्टर गुप्ता की दौलत के मुख्तार जरूर हैं आप, लेकिन सिर्फ एक साल के लिए। साल भर के बाद मिस कामिनी गुप्ता बालिग हो जाएगी और जो उनसे शादी करेगा वही इस जायदाद का मालिक होगा। और कंपनी का सीनियर पार्टनर भी वही होगा। भैया जी, काश आपका अपना कोई लड़का होता तो। लड़का, लड़का है तो सही मेरा। कामिनी की शादी अगर उसके साथ कर दी जाए तो गुप्ता की सारी दौलत मेरे हाथ आ जाएगी, लेकिन वो मिलेगा कहाँ, कहाँ होगा मेरा लड़का? अरे मैं तुझे मौत के मुंह में से भी निकाल लाऊंगी। मेरा नाम फातिमा है, फातिमा। अरे वो लल्ला के बच्चे, निकल बाहर। अरे बाहर, आज मैं तेरी चमड़ी उतार दूंगी। माता है, बोल कैसी बहू चाहिए, मतलब कैसी पसंद है। जो तुझे पसंद हो, पर हो कोई सुंदर कोमल जान जैसी, फूल जैसी, तेरे जैसी। मेरी जैसी नहीं तो क्या मेरे जैसी लाएगा? कोई सुंदर सी, कोमल सी, फूल जैसी, जान जैसी। हाँ, अरे रोटी तो दे। अरे ओ मुझसे
कान खोल के सुन ले, किसी पराई लड़की को छूना मत, हाथ मत लगाना, वरना खाल खींच के भूसा भर दूंगी। सुन लो काका, पराई लड़की को छूना नहीं, हाथ मत लगाना, लेकिन बहू ले आना, सुंदर सी कुंभल सी फूल जैसी चांद जैसी। अच्छा माँ, अगर धक्के से हाथ लग जाए तो? धक्के से हाथ लग जाए तो सिद्ध मेरे पास ले आना। अच्छा माँ, सिद्धा तेरे पास ले आऊंगा। जय जय माँ, जय जय, जय जय काका, जय जय, जय जय। अरे ओ बेटा, रोटी खाना मत भूल जाना। अरे तू क्या है, कोई इतनी चिंता करती है भाभी? ये तेरा बेटा तो है नहीं, और क्या तेरा बाप है? अरे पर तू मुसलमान और ये हिंदू। महादेव, अरे तू भी तो हिंदू है ना, फिर तू मेरा देवर कैसे बन गया? देख, मजहब तो बनाए इंसान ने बोला, हाँ। दिल दिया अल्लाह ने बोला, हाँ। अरे ये सब दिल मिले का मेला है, वरना दुनिया एक झमेला है। और ये तो है मेरा बेटा, और मैं हूँ इसकी माँ। क्या रिपोर्ट लिखवा दे थाने में, बड़ा दरोगा का बाप बना सकता है। अरे पर भाभी, किसी दिन इतना तो बता दिया होता कि ये बेटा है किसका। देख देवर, तू जानता है मैंने कसम खा रखी, बेईमान का नाम मैं अपने मुंह से कभी नहीं लूंगी। तो मैं किसी को बताने थोड़े जा रहा हूँ, आखिर इसका बाप कौन है? हाय, एक नेकी का दुश्मन, बदी का पुतला, हराम खोर, दौलत का कुत्ता। अरे सरकार, उस बात को तो जोग बीत गए, रामदास की घरवाली तो दूसरे दिन ही मर गई और उसके बच्चे का आज तक कोई पता नहीं। वो बेचारा भी कहीं मर खप गया होगा और क्या। अच्छा तुम एक काम कर सकते हो चोपड़ा, फरमाइए। यहीं से कोई अच्छा सा नौजवान ढूंढ के ला सकते हो, कुछ पढ़ा लिखा हो, कमारा हो और हमारे काम का आदमी हो। कोई भी नौजवान से? कोई भी। देखते हैं। आगे आप बाबा जी, रोटी खा लो। तू कौन है? मैं कौन? अरे इसका जवाब कौन दे सके बाबा जी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ को जा रहा हूँ, इसे तो कोई नहीं जाने जी। आपको मालूम हो तो बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कौन हूँ मैं? ये मेडल किस बात के लगा रखे? मेडल? ये तो मेरी माँ के घर वाले के है जी। जी तू पागल तो नहीं? जी नहीं, मैं दीवाना हूं। पर बात पते की कहता हूं। अच्छा एक बात बता, ये घर किसका है, तेरा है क्या? वाह क्या बात पूछी है पापा जी। हाँ, चुन चुन लकड़ी महल बनाया, अरे चुन चुन लकड़ी महल बनाया, साईं कहे घर मेरा, अरे ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा बाबा, चिड़िया रैन बसेरा बाबा, चिड़िया रैन बसेरा। पर बाबा जी यहाँ तो चिड़िया भी नहीं दिखे है। अच्छा तेरा नाम क्या है बेटे? नाम जो तुझे अच्छा लगे बाबा, लाला मुन्ना प्यारे राजा बेटा पसंद कर लो। और तेरे बाप का नाम? हाय हाय, सब यही पूछे, अब क्या बता मैं बाबा, बड़ी शर्म की बात है, माँ से बहुत पूछा बतावे ही नहीं, कहवे खबरदार जो उस कमीने का नाम लिया, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा पाप हूँ। तो माँ जिंदा है तेरी? जिंदा है, अरे जमाने भर की चौधरानी है मेरी माँ तो। पर तुम ही बताओ बाबा,
माँ कहीं बाप हो सके और बाप कहीं कमीना हो सके। अरे बाप तो भगवान का रूप हो गया है बेटे के लिए, तो मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब मेरा बाप मिलेगा मुझसे। हाथ जोड़ के पूछूंगा उससे, बाप जी मेरा क्या दोष है जो मुझसे रूठ के तुम कमीने निकल गए। अजी आप भी किससे बातें कर रहे हैं सरकार, ये आदमी तो बिल्कुल दीवाना है, बस आते जाते ठहर जाता है यहाँ। चल निकल यहाँ से, जब देखो चला आता है। बाप का घर समझ रखा इसको? देखो बापा मैं तो ठहरा दीवाना, पर जे दिखे से आना इसे तब पूछ लो, जो ये घर मेरे बाप का नहीं हो सके तो क्या तेरे बाप का हो सके? क्या हो सके? बिल्कुल हो सके जी। Hey. तू नौकरी करेगा? नौकरी? तेरी नौकरी? ऐसे ऐसे 5 मिलेंगे हर महीने। अच्छा जी, और काम? काम कुछ भी नहीं, बल्कि हम तेरी शादी करा देंगे एक निहायत खूबसूरत लड़की के साथ। बड़े आराम की नौकरी। आराम की नहीं दिखे ये नौकरी, तो हराम की दिखे है जी। माफ करना बाबा, तू तो मेरे बाप जैसा लगे, मेरा तो बड़ा जी चाहे तेरी सेवा करने को, पर माँ ने हराम खोरी को मना किया है। 16 एक पते की बात कह दूं बाबा जी, हराम खोरी में वो मजा नहीं है जो हलाल खोरी में, कसम से। जय जय बोला। ये आदमी पागल नहीं है, परले दर्जे का बेवकूफ है। गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी में मर जाएगा। इसका नाम इंद्र सिंह वर्गनाहर सिंह, साकिन पीतमपुर, दुनिया में अकेला, मैट्रिक पास, बेकारी से परेशान, अकलमंद, तरक्की पसंद और बड़े काम का आदमी है। चड्डा कामिनी को बुलाओ जल्दी। तुम सब कुछ समझ गए ना? क्या? जी हाँ जी पापा। गुड। और स्टाइल? शाबाश। याद रखो तुम्हारा साइन किया हुआ कन्फेशन मेरे पास है, जब तक ठीक चलोगे कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अगर किसी दिन अपनी औकात भूल गए तो 7 बरस से 10 बरस तक रिगरस इंप्रिजनमेंट। अंकल, आप कहाँ चले गए थे? मुझे आपसे एक बात। कामिनी इस नौजवान से मिलो, नाम है इंदर, लेकिन जानती हो ये कौन है? मेरा बेटा। आपका बेटा? मेरा इकलौता बेटा, ये बचपन में खो गया था कामिनी, अब मिल गया है। अंकल ये आपका सच्चा बेटा है? बिल्कुल। पसंद है तुम्हें? पसंद? इसमें पसंद की क्या बात है अंकल? तुम्हारी शादी होने वाली है इसके साथ। शादी? शादी? लेकिन अंकल ये कैसे हो सकता है, मैं इसे जानती नहीं पहचानती नहीं। तो जान लो पहचान लो, हम तुम्हें मौका देते हैं। इंदर अगर हम दुनिया में किसी से प्यार करते हैं तो सिर्फ कामिनी से, और तुम्हें भी याद रखना चाहिए कि ये हमारा बेटा है और तुम्हारा गेस्ट। चढ़ा Well, Mr. Guest. Yes, Miss Hostess. Oh, please be seated. घर आपका है, आपके बाप का है। तो आप शादी करना चाहती हैं मुझसे? बिल्कुल बिल्कुल। ये मुंह और मसूर की दाल? जी। आप क्यों शादी करना चाहते हैं मुझसे? क्या बात पूछी। इसलिए कि आप हसीन हैं, जवान हैं, मालदार हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे पापा का हुक्म,
अच्छा, तो अपने पापा के हुक्म के मुताबिक आप मुझसे लव करते हैं क्यों? लव? कौन मस्खरा कहता है कि मैं आपसे लव करता हूँ? देखो मिस, मैं एक निहायत प्रैक्टिकल आदमी, रही लव की बात सो आप करेंगी मुझसे। शक्ल देखी है आईने में? अब देखूंगा, शादी के बाद। मिस्टर प्रैक्टिकल, मैंने आज तक जो कुछ किया है अपनी मर्जी से किया है, शादी भी अपनी मर्जी से करूंगी इस आदमी के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मेरे अजीज तरीन मरहूम दोस्त मिस्टर गुप्ता की साहेबजादी मिस कामिनी गुप्ता की सगाई मेरे प्यारे बेटे इंदर के साथ थोड़ी देर में होने वाली है। बोलने न चाले, होशियार लड़की है लड़की। क्षमा करना राजकुमारी जी, मां ने पराई लड़की छूने को मना किया है, सोलाचारी है। जय जय। पराई लड़की है तो क्या हुआ, है तो इंसान की बेटी आदम जात। मुंह खोल खेल के भुस्सा भर देगी, प्यारे भर देगी तो भर देगी, मां जो ठहरी। पानी अरे बुट्टा सिंह जी, आप इधर। क्या है? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, जरा एक मोटर कार की टक्कर होगी उधर, सो पानी ढूंढ रहा हूँ, पर आप चिंता मत ही करो जी, पानी तो बहुत मिल जाएगा। जय जय। Thank you.
यहाँ धरती के ऊपर आकाश के नीचे मोटर कार के बीच में राजकुमारी। तू दीवाना तो नहीं है? हाँ जी, पर जो दिखे वो होवे नहीं हो, जो होवे वो रहवे नहीं। राजकुमारी जय 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 जय। तू गाड़ी बम तो नहीं? तो तूने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया, यू इडियट। अगर मेरे पास टाइम होता तो तुझे पुलिस के हवाले कर देती। अच्छा जी, मेरा सामान। सामान? मेरी 2.5 लाख की ज्वेलरी, मेरे 2.5 लाख की करेंसी नोट्स। नोट? रुपया। रुपया? वो तेरा लेकर लेकर, अरे वो तो यहां फैला है सारे में। यहां सारे में कहां है मेरा रुपया? तेरा लेकर लेकर बुट्टा सिंह ले गया दिखे। बुट्टा सिंह कौन? हाँ बुट्टा सिंह, अरे वो मकान दिखे ना, उसी में रह रहे हैं वो। अच्छा चल मुझे दिखा। बड़ा खतरनाक आदमी है, लम्बरिया डाकू। मेरी मार तो लेकर को भूल जा, राजकुमारी माल में क्या रखा है, जान है तो जान है, माँ कहती है। चलता है कि नहीं? दिवाली का तपंचा है। दिवाली का? हरे राम। हैंड्स अप, हाथ उठा, उठा, घूम जा, घूम, चल, चलता है कि नहीं? चलता हूँ, चलता हूँ, जान है तो जान है, माँ कहती है। Come on. मारा जाता है, माँ कहती है। ये खटिया पे बैठ के बातें करे, झगड़ा किस बात का है? चोट तो नहीं लगी बुट्टा सिंह जी? आराम से, आराम से। कोई रस्सी तो नहीं होगी आपके पास? मिल गई जी, मिल गई। संभाल के बुट्टा सिंह जी, मैं आपको टांग दूंगा कसम से, टांगों से बांध कर उल्टा लटका दूंगा। होशियार बुट्टा सिंह। Ah!
जय जय। अरे तू जिंदा है और वो ये तूने किया है? हाँ जी। मगर कैसे? ये संकट मोचन विद्या है राजकुमारी, उस्ताद से सीखे माँ के घर वाले से। ये बताने की चीज नहीं है, दिखाने की चीज है। पर आज मुझे फुर्सत नहीं है, संभाल अपना। लेकिन जय जय। तू मुझे अकेला छोड़कर जा रहा है? अकेला? अरे दुनिया में आदमी अकेला आता अकेला चला जाता है राजकुमारी, पर तू अकेली किधर से? इधर बुट्टा सिंह, उधर लेकर ऊपर से तमंचा। जय जय। मगर मुझे स्टेशन कौन पहुंचाएगा? अरे मैं दिल्ली कैसे जाऊंगी, वहां दिलजीत मेरा इंतजार कर रहा होगा। जाने किसका मुंह देखा था सवेरे सवेरे। देखो राजकुमारी, तू ठहरी मोटर काट वाली, बोल। हाँ। मैं ठहरा गाड़ी वाली, बोल। हाँ। अरे तेरा मेरा साथ कैसे? तेरी सड़क वो, मेरी सड़क वो, बोल। जय जय। तू पुलिस से क्यों डरे है राजकुमारी? तूने कुछ चोरी की है, डाका मारा? अरे तू समझता नहीं है, मैं माइनर हूँ ना, पुलिस पकड़ने की अंकल के हवाले कर देगी, वो मेरी शादी कर देंगे। प्लीज तू मुझे किसी तरह यहाँ से ले चल। ये तूने क्या कर दिया? हाथ निकाल, हाथ निकाल, हाथ निकाल। अरे तूने तो मुझे छू लिया। तो क्या हुआ? अरे मां खाल खींच के भूसा भर देगी। तू तो है बिल्कुल पागल। अरे ये तो डाकू बूटा सिंह है, इसको किसने मार लिया? मैंने कहा जी, लड़की कहाँ गई? पुलिस की ड्यूटी है। इसलिए जब तक बैलगाड़ी पक्की सड़क पे नहीं आ जाती, कुछ नहीं किया जा सकता। ओए राजकुमारी, अरे तुझे तो चुप्पी लग गई दिखे, कुछ बात कर, कोई गाना गा। गाना? मुझे नहीं आता गाना वाना। लो जी, अरे गाना रोना तो सभी को आवे है। मुझे रोना भी नहीं आता। हैं? तो जिंदगी भर कभी नहीं रोई? कभी नहीं, कभी नहीं। तभी गाना नहीं आता। अरे जिस दिन रोना आ गया राजकुमारी, उस दिन गाना भी आ जाएगा। ओह शट अप, दीवाना कहीं का। दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना, मैं समझूं जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहे, मैं समझूं जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहे। इंसान सीधा सादा हूँ, ईमान का मैं शहजादा हूँ, मैं इंसान सीधा सादा हूँ, ईमान का मैं शहजादा हूँ, है कौन बुरा मालिक जाने, मैं प्यार का परवाना, दीवाना मुझको लोग कहे, समझूं जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना, दीवाना
मुझको लोग कहे। छटा छटा, वो जंगल में घुस गए हो या समंदर में? अगर शाम तक तुमने कामिनी का पता नहीं चलाया। शाम तक? आज तो मुश्किल है सरकार, लेकिन कल सुबह तक जरूर पता लग जाएगा। क्या तुम पागल हो गए हो चट्टा? रात भर वो लड़की जंगल में अकेली रहेगी उस जंगली के साथ? सूरज डूबने से पहले कामिनी को तलाश कर लो, वरना याद रखो चट्टा, फिस फिस कर दिए जाओगे। ए, गाड़ी क्यों रोक दी? पूजा करूंगा। पूजा? अरे पेट पूजा, भूला भूखा मैं भूखा। मुझे क्या भूख भी ना लगे राजकुमारी? नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, पहले रेलवे स्टेशन पहुंचा दे। रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन और क्या? सुन ले बोला, अरे रेलवे स्टेशन तो उधर रह गया, छह गांव पीछे। ओह माय गॉड, तू इधर इधर कहां ले जा रहा था मुझे? अपनी माँ के घर। अरे इधर ही तो है नदी पार, पहाड़ के पीछे, नवा गांव की चौधरानी है मेरी माँ। पागल दीवाने, मैं क्यों जाने लगी तेरी माँ के घर? देखो राजकुमारी, अब और कोई रास्ता नहीं बचा। हा? क्यों? अरे क्यों क्या, तू ठहरी पराई लड़की बोल। हा? हाँ। और मैं ठहरा पराया मर्द बोल। हा? हाँ। और तूने मुझे छू लिया और मैंने तुझे छू लिया, तो क्या हुआ? ने सुन ले बोला, अरे माँ ने मना किया था कि बेटा किसी पराई लड़के को हाथ ना लगाना, और जो धोखे से हाथ लगता तो सीता मेरे पास ले आना। अरे क्या कर रही है? अरे और राजकुमारी, मैं पूछू कहाँ जा रही है? स्टेशन जा रही है क्या? जाओ, चली जा ना, किसी दिन भर चलेगी, रात भर चलेगी, सवेरे पहुंच जाएगी स्टेशन। अरे छह ही तो गांव है बीच में, जूनागढ़, भोरिया, झुनझुन, बटेसर, पिपला, राजगढ़ और नमिया ठेसन। स्टेशन पहुंचा दे मुझे, ये सब इनाम दूंगी तुझे, जानता है कितने हैं? 10,000। 10,000? वो कितना हुए? 100 बार 100। 100 बार? पर मेरे किस काम का, न खाने का न पहनने का, डाकू मिले तो खतरा, पुलिस मिले तो खतरा। लेकिन इससे तू जिंदगी की सारी खुशियां खरीद सकता है। सारी खुशियां? अच्छा जी, तब के बड़े काम की चीज दिख रहे राजकुमारी, हवा खरीद सकती है इससे। बोल, भोर की ठंडी ठंडी हवा, सूरज की रोशनी, पानी की तरंग, धरती की सुगंध और आसमान का नीला नीला रंग, जैसे मेरी नीली नीली आंखें बोल खरीद सके इससे। नहीं, लेकिन लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है इसके बीच में। अरे इसका तो नाम ही लेकिन है, मतलब ये कि इस लेकिन से जो कुछ तू खरीदेगी वो तुझे खरीद लेगा, माँ कहती है। और दूसरी बात ये, जो तू इससे जिंदगी की सारी खुशियां खरीद सकती तो तू घर से भागती क्यों, ये मैं कहता हूं। बोल। आसमान का नीला नीला रंग। ओह माय गॉड, किस दीवाने से पाला पड़ गया है। हटा ले राजकुमारी, मुझे डर लगे। डर लगता है? अरे लगता नहीं, ये तो लेकिन का बाप है। शट अप, बोल।
स्टेशन चलता है कि नहीं? चलता हूँ चलता हूँ। डर से काम शैतान का, खुशी से काम इंसान का। चल ए, उधर कहाँ जाता है, गाड़ी में चल। देख राजकुमारी, मैं तो चलने को तैयार हूँ, पर ये मेरा भोला है ना यार, ये नहीं चलेगा। क्यों? अरे जानवर ठहरा, इंसान थोड़ी, तेरी तरह जिधर मुंह उठाए उधर चल दे। फिर आज का दिन तो हमेशा माँ के घर जावे है, आज पूनम है ना, आज रात को मेरा जन्म होगा। होगा होगा, हर पूनम की रात को मेरा जन्म होता है। हाँ, पूछ ले भोला से। क्यों भोला? अच्छा तू इनके साथ ठेसन जाएगा? इस पे न लेकिन चलता है, न लेकिन का बाप चलता है। जा 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 जा, मुझसे क्या लाडू करता है? हाँ? अगर तेरा ये बैल इतना ही बेकार है तो मैं इसे अभी गोली मार देती हूँ। शैतान का, खुशी से काम इंसान का, जरा खुशी से चल। अरे जा, खुशी ऐसी होवे है राजकुमारी, देख मेरी माँ कही है, डर से कभी कोई काम न करे, जो करे खुशी से करे, आनंद से करे, मौज से करे। जैसे सूरज आनंद से उगे है, नदी आनंद से बहे है, फूल आनंद से खिले है, लत्तू भी ले ले आनंद से। आनंद से नहीं ले रही, खतरे की चीज दिखे सरकार में भर्ती करा दूंगा। अच्छा तू यहीं बैठ, मैं गड्डी लेकर आया। अब आ जाएगा गाना तुझे। अरे रोना जो आ गया ना, गाने में कितनी देर है। गाके देख, बजाऊं तुत्ती? बजा ले। मैं पूछती हूँ तू आदमी है कि पत्थर? हाँ? एक तो मुझे इस जंगल में लाकर पिटस दिया और ऊपर से शहनाई बजा रहा है। यहाँ क्या मेरी शादी हो रही है?
शादी? तू शादी करना चाहे है राजकुमारी? ओह माय गॉड, कब मैं स्टेशन जाऊंगी, कब मुझे ट्रेन मिलेगी, कब मैं दिल्ली पहुंचूंगी? वहां दिलजीत मेरा इंतजार करते करते मर जाएगा। नहीं मरेगा जी, दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं मरे राजकुमारी, जो मरे अपने लिए मरे। माँ कहती है। माँ कहती है सुबह से ना मैंने कुछ खाया है ना पिया है, भूख के मारे दम निकला जा रहा है। जाने के जन्म का दुश्मन मिल गया है तू मुझे। दुश्मन? दुश्मन, पक्का दुश्मन। ठहरो राजकुमारी, दुश्मन मैं कि तू? तू 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 तू। अरे आज है पूनम, मेरा जन्मदिन, पर सवेरे से तेरा मुंह क्या देख लिया, ना माँ के दर्शन मिले ना रोटी मिली। बोल दुश्मन मैं कि तू? तो फिर तू मुझे स्टेशन क्यों नहीं ले जाता? अरे तो मैं क्यों तेरे बाप का नौकर हूँ? लो जी, मैं तो राजकुमारी राजकुमारी कर रहा हूँ, पर ये तो सर पर ही बैठ गई। दुश्मन 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 तो दुश्मन ही सही। ये ले, संभाल अपने लेकड़ का बाप, मैं तो चले अपनी माँ के घर, कर ले जो तुझसे हो सके। पुलिस मेरा पट लिखा दे, वो रही थाने की सड़क चली जा सिद्धि जय जय। अरे अब क्या हो गया तुझे? भूख लगी है। तेरी तो किस्मत ही खुट्टी है राजकुमारी, जिंदगी में पहली बार रोने बैठी, वो भी रोटी के लिए। रोटी तो मिल जाएगी पर काना नहीं आएगा तुझे। चल रोटी खा ले। सूखी रोटी? हाँ? खाऊं किसके साथ? हाँ? प्याज के साथ। हाँ? मिर्च के साथ। हाँ? फिर इसके साथ खा ले। अरे अरे वाह, आज तो ढेर सारी चीजें सीख ली राजकुमारी। सच बोलना आ गया, हंसना आ गया, रोना आ गया। तू तो कहता था रोना आएगा तो गाना भी आ जाएगा। रोना भी तो कई तरह का होवे है राजकुमारी। ले बताऊं, देख यहां से तो रोवे फूटी किस्मत वाले और यहां से रोवे नखरे वालियां, यहां से रोवे बाबा लोग ममा ममा, यहां से रोवे झूठ बोलने वाले, यहां से रोवे नकली लीडर, हमारे देश का क्या होगा, यहां से रोवे भुक्कड़, हाय रोटी हाय रोटी हाय रोटी। पर असली रोना तो इधर से हुए है राजकुमारी, एक बार यहां से रो ले सारे दुख दूर हो जाएंगे। बोल रोएगी यहां से? बजाऊं तूती? तू रोने पर भी शहनाई बजाता है? तुझे गाना नहीं आएगा, रोटी खा रोटी। तू अजीब तरह का आदमी है दीवानी, पर बुरा नहीं अच्छा है, अच्छा आदमी है। अजीब तो तुम भी हो राजकुमारी, पर अच्छी नहीं हो। क्या? अरे लड़की होके घर से भागती, जो सुनेगा वही तुक्केगा। भागती नहीं तो करती क्या? जिससे मेरी शादी हो रही थी वो लड़का मुझे प्यार नहीं करता, प्यार समझता है तू? लो अजी, मेरा तो नाम ही प्यारे है। लेकिन तूने कभी प्यार किया है किसी से? बहुतों से करता हूँ। बहुतों से? जिसको देखता हूँ उसी से प्यार कर लेता हूँ। अब देखो ना, तुमको देख लिया, तुमसे प्यार कर लिया। कसम से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं वैसे प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच्चे प्यार की बात कर रही हूँ। सच्चा प्यार? वो कैसा हो गया है राजकुमारी? जिसमें शादी होती है। शादी? ले सुनने बोला हा? अरे प्यार से शादी का क्या वास्ता है? शादी शादी है, प्यार प्यार है, जैसे रोटी रोटी है, प्याज प्याज है। अब भोला मुझसे प्यार करता है तो क्या मुझसे शादी कर लेगा? तू तो है दीवाना। शादी हो चुकी है तेरी?
माँ लड़की ढूंढ रही है। अभी तक लड़की ही देख रही है। क्या उम्र है तेरी? उम्र ज्यादा नहीं है, पूनम के दिन तो पैदा हुआ था। लेकिन बरस कितने हुए? बरस होंगे दो चार पाँच। दो चार पाँच? अरे 17 बरस की तो मैं हूँ, तू होगा मुझसे डबल, कोई 30-35 बरस का। अच्छा जी, डिबल? पर मुझे तो लगे जैसे आज ही जन्म हुआ है मेरा, अभी अभी इसी वक्त, जैसे नया नया फूल खिले है ना फूल, वैसा ही लगे आप तब मुझे। तुझे ना लगे वैसा? नहीं तो। पर तू दिखे तो बिल्कुल फूल जैसी, खुशबू भी वैसे ही आ रही है। अच्छा दीवाने, कैसी लड़की ढूंढ रही है तेरी माँ? सुंदर सी, कोमल सी, फूल जैसी, चांद जैसी, तेरे जैसी। मेरे जैसी? नहीं नहीं, तेरे जैसी नहीं, तेरा क्या भरोसा, तू कब भाग जावे? और फिर तू तो पराए मर्दों को छुट्टी फिरती है बेशर्मों की तरह, तुझसे कौन ब्याह करेगा? मुझसे कोई ब्याह नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। और जो करके दिखा दिया तो? अरे रोटी खा रोटी, ब्याह करके दिखाएगी। जब तेरी शादी मेरे साथ होने वाली होती राजकुमारी, और तू इस तरह घर से भाग जाती, तो जानती है मैं क्या करता? क्या करता, क्या कर लेता? अरे धरती के छोर तक तो तेरा पीछा लेता, उसके बाद इस पेड़ के साथ बांध देता, और इतने हंटर लगाता, इतने हंटर लगाता, भागना तो क्या, चलना भूल जाती। Shut up, तू। अरे जो मर्द अपनी औरत को काबू में ना रख सके वो मर्द ही नहीं। कौन कहता है? माँ कहती है। माँ कहती है, माँ कहती है। माँ का नाम तो ऐसे लेता है जैसे दूध पीता बच्चा है तू। अरे पानी आ गया, यहाँ तो रोती है वो, रहा पानी। देख ले भोला, पानी के किनारे बैठी पानी पानी कर रही है। तूने तो ढेर सारा पानी पी लिया दिखे राजकुमार। हाथ पकड़, मैं कहती हूँ मेरा हाथ पकड़। फिर वही हाथ पकड़? अरे एक बार हाथ पकड़ लिया तो जिंदगी भर निभाना पड़ेगा। मुझे यहाँ से निकाल दे, कुछ जो कहेगा वही करूंगी, जहाँ कहेगा वही चलूंगी। माँ के घर चलेगी? चलूंगी, जरूर चलूंगी। लेकिन कितनी देर ठहरना पड़ेगा तेरी माँ के घर? सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सूरज निकलने तक। जी माँ, जाने कहाँ चली गई? अरे तू अंदर तो आ, डरने की क्या बात है, यूं तो अपने ही राज है। जय 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 जय। ए तू मुसलमान है क्या? हिंदू, बिल्कुल हिंदू। तो फिर ये क्या है? माँ मुसलमान है। माँ कैसे हो सकता है, माँ मुसलमान बेटा हिंदू? हाँ, माँ मुसलमान बेटा हिंदू। ओह, तो फिर सच्ची माँ नहीं होगी? हाँ, सच्ची भी तो झूठी है तेरी तरह। अरे इतनी सच्ची, इतनी सच्ची, सर से पैर तक माँ ही माँ है, और मुझे बड़ा प्यार करे, इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि दुर्गा, देखिए दुर्गा, अभी दर्शन हो जाएंगे, सोच समझ के जवाब दे, नहीं तो खाल खींच के भुस्ता भर देगी। अब तू डर, तेरा काम जाने। जय जय। अरे धीरज से काम ले चौधरानी, धीरज से। अरे हट चौधराइन के बच्चे, आज मैं इसका भुरकुस निकाल दूंगी। कहां है रे मुस्तंडे बेईमान के बेटे, आज मैं तेरी टांगे ना तोड़ दूं तो मेरा नाम फातवा नहीं। तू कौन हरे पठान के बच्चे? अरे मियादा काहे को है, साथी है उसका। अरे तो वो काहे को छुपाता है चोट्टे की तरह, चल बैठ उधर। चोर का भाई गिरे कर। लाला ओ लल्लू,
कहाँ छुपा है रे? जय जय माँ जय जय। क्यों रे जय जय के बच्चे, आज तेरा जन्मदिन है ना, और तुम अब आया है आधी रात को, दिन भर घूमता रहा इस लफंगे झींग बेचने वाले के साथ। ना 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 ना, मेरी बात सुन ले, ये जो तू समझ रही है वो है नहीं, और जो है वो तू समझ नहीं रही। क्या कोई बुला रहा है माँ? कौन है रे? तुम्हारी की यहाँ कौनो लड़की तो नहीं आई है? लड़की? कैसी लड़की? अरे तो बकता क्या है? अरे पुलिस का हरकारा हुआ है जूना गांव से, तुम टुकुर टुकुर मुंह का देखा तो बताओ ना क्या बात है? बात ये है, ये बहुत बड़े आदमी की लड़की भाग गई है ये गाड़ी वाहन के साथ, तो गांव गांव में तलाश हो रही है। सुना है तुम्हारे यहाँ भी एक बैलगाड़ी है, तो तुमसे भी पूछ लो है कोई लड़की तुम्हारे पास? लड़की तो कोई नहीं है बेटा, पर ये अम्मा खड़ी है तेरी, बोल क्या बोलता है? अरे तो गुस्सा काहे करे चौधरानी? अरे हमारी घर के नाती, हमारे गांव का बदमाश का अड्डा समझ लिया है, आधी रात को लड़की ढूंढने निकले हैं मुंडी काटे। चल बेटा तू रोटी खा ले, और तू खड़ा क्यों है रे पगड़ी वाले? चल सामान रख, पगड़ी उतार, हाथ मुंह धो के अंदर आ। अरे वो पठान के बच्चे, अरे तू चला किधर? मैं देख, इस घर में आना अपनी मर्जी से, जाना मेरी मर्जी से, और फिर आज तो मेरे लाल का जन्मदिन है, तो बिना खाए पिए चला जाएगा? चल उतार कर। किया जो मेरा पीछा पकड़ा अभी तक नहीं छोड़ा, इसका चाचा कहीं और शादी करा बैठा इसकी, फिर ढुर, और मुझे क्या मेरा हाथ पकड़ ले, मैं को नहीं, मुझे क्या मेरा हाथ पकड़ ले, मैं को नहीं नहीं नहीं, माँ ने मना किया, पर इसने तो मुझे छू लिया। आए छू लिया? मेरी टांग पकड़ ली, टांग, फिर कमर पकड़ ली, फिर गर्दन पकड़ ली, फिर क्या पानी सर के ऊपर, दोनों के। तूने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने भी अगर मगर के बीच घबरा के हाथ पकड़ लिया उसका। हाय अल्लाह, अब क्या होगा माँ? मैं सिर्फ रात भर यहाँ रहूंगी, सवेरे होती चली जाऊंगी। कहाँ चली जाएगी? कहीं नहीं। क्यों? अब मैं क्या करूँ, पुलिस मेरे पीछे है, रिश्तेदार मेरे पीछे हैं, वो लोग मेरी शादी कर देना चाहते हैं एक ऐसे आदमी से जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो वो लोग जबरदस्ती शादी कर देंगे? जबरदस्ती? अरे किसके बाप की मजाल है, मैं अकेली उन सबके लिए काफी हूँ। यही ठहर, मैं अभी आती हूँ। लेकिन वो पुलिस? अरे क्या पुलिस पुलिस करती है, पुलिस दरोगा का बाप तो मेरा देवर है। चिंता मत कर, चिंता मत कर। माँ जो भी करती है ठीक करती है, वो सबको ठीक कर देती है, वो तुझे भी ठीक कर देगी राजकुमारी।
सवाल यह है जेठानी कि लड़की भाग आई है या लड़का भगा लाया है? अब ये तो अल्लाह जाने बहना, पर जो होना था तो हो चुका। हो चुका? हो चुका। अजी तब तो सबकी इज्जत इसी में है जो ये कह रही है, लड़के वालों की भी और लड़की वालों की भी। अरे ये तो सब ठीक है, मगर भाभी ये रातों रात सारा इंतजाम होगा कैसे? अब जैसे भी हो देगा, रिश्तेदार पीछे पड़े हैं, साथ पुलिस को भी लगा दिया, और बाद में तो मैं समझा लूंगी, और नहीं समझेंगे तो मेरा क्या कर लेंगे। पर कहीं पहले पहुंच गए तो लड़की की जात ठहरी, नशे में डूब जाए, जहर खा ले तो। फिर वही चिंता, माँ के दर्शन हो गए, अब चिंता कैसी? देख लेना जीवन सफल हो जाएगा, तेरा भी और मेरा भी। हाँ, ये मिठाई का। भूख लगी थी दोनों को। जय जय काका। यही है पुलिस दरोगा का बाप? ले पूछ ले देवर, क्या पूछना है? देख लड़की, सबकी खैरियत इसी में है कि जो कुछ मैं पूछूं ठीक ठीक जवाब देना। क्या नाम है तेरा? लीला। जोर से बोल। लीला। इतने जोर से नहीं, लीला। अच्छा तो किस गांव की रहने वाली हो तुम? यहाँ की भी हूँ, अभी तो यहाँ बैठी हूँ। तुम घर से खुद भागी हो या कोई भगा कर लाया? मुझे भगाने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। अच्छा बेटी, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? ये सब पूछकर आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बिल्कुल तुम्हारा ही नमूना है। अच्छा लड़की, बस एक सवाल और, ये तुम पठान का भेष बदल कर क्यों आई हो? अरे देवर, किस उल्लू ने तुझे दरोगा का बाप बनाया है? अरे लड़की घर से भाग के निकली है, देश ना बदलती तो क्या पांचों पोशाक पहन के सोना सिंगार करके दौलत बजा के घर से निकलती? पूछ लिया कि और कुछ बाकी है? तुम जरा बाहर तो आओ। सवाल ये है कि कन्यादान कौन करेगा? अरे तुम करोगे और कौन करेगा? मैं करूंगा। चूड़ियां पहनना चूड़ियां, इतना भी काम नहीं करोगे तो देवर किस बात के बने हो? भाभी न मैं नाम जानू न गांव जानू। अरे पर मुझे तो जानते हो ना। अच्छा मुझे करीब सोच लेने दो, तुम क्या करो उसे देखो। वाह बेटा, आखिर हमी को ससुर बनाने पर तुले हुए। जियो, जीते रहो बेटा। लेडी, ये कपड़े पहन ले जल्दी से। क्यों? क्यों मतलब ये कपड़े क्यों? देख बेटी, तू चिंता छोड़ और डर को निकाल दे मन से, जो मैं कहूँ वो करती जा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? मुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई पकड़ने नहीं आएगा। अरे किसके बाप की मजाल है, अल्लाह चाहेगा तो रातों रात मैं तेरा इंतजाम कर दूंगी। क्या समझी? समझ गई। दो देवर, बिटिया मुबारक हो। तुम्हें भी बधाई है भाभी। हाय अच्छी देवर भाभी, क्या डबल डबल रिश्ता करोगे जेठानी? आए है तो जलती क्यों है देवरानी, तू भी कोई और रिश्ता कर लेना। हाँ तो भी तुम्हारे मुंह कौन लगा? आओ बेटी अंदर चलो। क्यों देख ली क्यों? तुझे रात भर यहीं रहना है और ये तेरे माँ बाप है। माँ बाप? बेटी मैं माँ हूँ और ये बाप है। काय तोले खाई थी आज? बेटी मैं बाप हूँ और ये माँ है। हाय 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 हाय, मतलब है कि हम दोनों माँ बाप। मैं पूछती हूँ ये माँ बाप की क्या जरूरत है? आए तो किस रिश्ते से रहेगी इनके घर, मेरे हाथ तो तू रह नहीं सकती, और फिर कन्या दान कौन करेगा? कन्या दान क्या होता है? हाय
भैया, कन्यादान भी नहीं समझती। चलो जी तुम्हें सजाएं, सजाएं, बनाए सवारे सोला सिंगार करें। क्यों देख रही बिटिया की जात को बहुत क्यों 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 शोभा नहीं देता, यही सिखाया तेरी अम्मा ने। माँ तो मेरी मर गई बचपन में जब मैं 3 बरस की थी। हाय हाय बेचारी क्या जाने रीति रिवाज। चिंता मत कर बेटी, मैं जो कुछ कर रही हूँ तेरे ही भले के लिए, तेरा ही दिल पसंद, और ये सब लोग तो मदद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, पर बहुत पूछा था जी, मत कर, गांव वालों को शक पड़ जाएगा, लड़की भाग कर आई है। दरवाजे पर देख, दरवाजे पर आई इधर। देखो जी माँ बाप, तुम दोनों मेरा सारा इंतजाम कर दोगे ना, सुबह उठते ही चली जाऊंगी यहाँ से। सारा इंतजाम लेस है बेटी, सूरज निकलने से पहले बिदाई। अरे किसी को कानो कान खबर ना हो। थैंक यू, गुड नाइट। क्यों जी, तुम तो कह रहे थे गांव की लड़की है। अरे तो आजकल के गांव को क्या समझ रखा है तुमने, देश का देश आजाद हो गया। थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। जय जय, पर तूने उसे समझा कैसे लिया माँ? तूने समझाने को बाकी क्या रखा था बेटा? तू जरूर कोई जादू जाने। जादू तो वो जानती है, मैं छू मंत्र जानती हूँ। छू मंत्र? छू मंत्र? छू के मन को तर कर दे। ¡Suscríbete!
जय जय आखिरी दर्शन राजकुमारी इस रूप में ये रूप जिंदगी में एक बार होवे और जिंदगी भर को हो जावे कहने को दो होने को एक जैसे एक घड़ी जो सिर पे खड़ी इतने जोर से नहीं जी इतने जोर से नहीं नजर लग जाएगी हमको तुम्हारी नजर लग जाएगी हमको तुम्हारी नजर लग जाएगी देखो राजकुमारी शर्माने को जिंदगानी पड़ी है आज तो देखने का दिन है आंखों में आंखें डाल के देख मेरी तरह नजर बाहर ध्यान भीतर नहीं आ रहे तो आंखें बंद कर लो रोशनी हो जाएगी देखो ऐसे भीतर भी तुम बाहर भी तुम बाहर भी तुम भीतर भी तुम दुश्मन भी तुम दुल्हन भी तुम भी तुम और हम भी तुम लो माने दी सबके सामने मुझे शर्म आ जाएगी यहीं पहन लो दुल्हन तूने कभी अपना मुंह देखा है शीशे में बंदर मैं तुझसे शादी करूंगी मैं You crook! मैं तुझे दीवाना समझ रही थी सीधा सच्चा समझ रही थी लेकिन तू तो निकला लाखों में एक यू स्काउंडर मुझे बहका फुसलाकर अपने गांव ले आया मेरा 2.5 लाख रुपया जेवर पिस्तौल सब अपने घर रख लिया और अब धोखे से शादी करके सारा माल हड़प लेना चाहते हैं I'll have you arrested. मैं दिल्ली पहुंचते ही सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी और अब मैं जा रही हूँ स्टेशन देखती हूँ कौन रोक सकता है मुझे कन्या को बुलाओ जजमान महाराज ओम शाबू बेटा तुम जाकर जा प्यारे को बुलाओ बेटी तुम जाकर कन्या को देवी महालक्ष्मी नमस्ते ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायण मेरा दिल्ली का पता शेरफ कुंवर दिलजीत सिंह ऑफ कमालपुर होटल दिल्ली होटल दिल्ली तो फिर वादा पक्का रहा तू मेरी शादी पे दिल्ली आएगा शहनाई बजाने मिलते ही आ जाना अच्छा देख जरूर जरूर आना दीवानी
तेरी शहनाई बिना जाने मेरी शादी कैसी लगेगी? सुनी 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 अखियन में सुने सुने सपने पीतम चले हैं विदेश सखिरी मेरो देश भयो पर देश। अच्छा दीवानी मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ निशानी। निशानी? देख इनकार मत करना तुझे मेरी कसम। हाथ बढ़ा अब आंखें बंद कर। देख मैंने कसम दी है। हाँ अच्छा अब एक निशानी मैं दूं राजकुमारी? हाँ दे। आंखें बंद करो देखो इनकार नहीं करना मेरी कसम लग जाएगी। कसम दी है जी मैंने। तुझे कुछ नहीं चाहिए दीवाने बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। चाहने से क्या हो गए है राजकुमारी? आ गई दीवानी में मुझे बड़ी प्यास लग रही है। अच्छा जी अच्छा मैं जो दिलजीत को तार देने चली गई थी। पानी प्यास बुझ गई राजकुमार? जय जय क्या किया करता है दीवानी? तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय न तुम्हारे न हमारे जय जय। हमारी भी जय जय ना तुम हारे ना हम
सफर साथ जितना ना हो ही गया थे ना तुम्हारे ना हमारे तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय याद के फूल को हमको अपने दिल से रहेंगे लगाए याद के फूल को हमको अपने दिल से रहेंगे लगाए और तुम भी हंस लेना जब ये दीवाना याद आए मिलेंगे जो फिर से मिला दे सितारे ना तुम्हारे ना हमारे तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय कहाँ रुकता है तो फिर तुम कैसे रुक जाते वक्त कहाँ रुकता है तो फिर तुम कैसे रुक जाते आखिर किसने चांद छुआ है हम क्यों हाथ बढ़ाते जो उस पार हो तुम तो हम इस किनारे ना तुम्हारे ना हमारे तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय बहुत कहने को लेकिन अब तो चुप बेहतर है हाँ तो बहुत कहने को लेकिन अब तो चुप बेहतर है ये दुनिया है एक सराय जीवन एक सफर है रुका भी है कोई किसी के पुकारे ना तुम्हारे ना हमारे सफर साथ जितना आहो ही गया थे ना तुम्हारे ना हमारे तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय वो बुरके वाले मेहन साहब दे गए तुम्हारे लिए
हेलो। ओ यस यस पापा, फ्रॉम कॉल फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली? हेलो समाज दासी है। आपकी होने वाली बहू मिस कामिनी गुप्ता इस वक्त दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ ठहरी और आप कौन है? ये मत पूछिए। मैं कामिनी का पता दे सकता हूँ लेकिन मेरा इनाम? इनाम 50,000 रुपए। 50,000? अजी 50,000 अपने बेटे को दीजिएगा, मुझे तो 5,00,000 चाहिए। 5,00,000? शायद तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं 1,00,000 दूंगा। 2,50,000 टिकट और लिविट, और छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताइएगा। जस्ट ए मिनट, इंदर टेप रिकॉर्डर। इंदर, ये आदमी 2,50,000 मांगता है कामनी के एड्रेस के लिए। मान जाइए पापा, 2,50,000 चीज ही क्या है। हेलो डियर, मुझे मंजूर है। गुड, नाउ लिसन केयरफुली। एक सूटकेस लीजिए, उसमें 2,50,000 के करेंसी नोट्स भर दीजिए, 100-100 रुपए के। 2,50,000 किसी इंटेलिजेंट आदमी के हाथ वो सूटकेस फौरन दिल्ली रवाना कीजिए। रात के प्लेन से कल सुबह 9 और 10 के बीच कुतुब मीनार के सामने मिलूंगा। दोनों की पहचान, लाल गुलाब का फूल। जो मुझे सूटकेस देगा उसे कामनी का पता मिल जाएगा। याद रखिए, वरना जिंदगी भर पछताइएगा। 2,50,000 कुतुब मीनार 9 और 10 के बीच। दोनों की पहचान, लाल गुलाब का फूल। सरदार जी, आपने तो बड़ी जल्दी दिल्ली पहुंचा दिया। अच्छा शुक्रिया है विद्या जान। देखो जी किस्मत की बात, कहां को बिछड़े थे कहां को आन मिले। जरा पहचानो तो बाबा जी मैं कौन हूं। नहीं पहचाना बाबा जी? तो तू है वो आदमी? ये तो पहचान लिया बाबा। अरे मैंने तो सुना आजकल बेटा बाप को नहीं पहचाने, कसम से। ये तो लकली है बाबा, असल तो ये रिया।
पता है तेरे पास? हाँ, अच्छा याद दिलाया, जरा इसका पता बता देना जी। ये तो प्राइवेट माल है जी। तेरे हाथ की लकीरें तो बिल्कुल मेरे हाथ से मिले हैं बापा, पर तेरे मन में कोई खोट दिखे। कौन है तेरा मालिक? नीली छतरी वाला, तो सबका मालिक। सच बोल। सच बोलने पर तू चांटा मार देवे बाबा, तुझे तो सच्चे की पहचान ही नहीं दिखे। ये फूल तूने क्यों लगाया? फूल लगाना दोष है बाबा, यहाँ तो और भी बहुत से लोग फूल लगाए फिरे हैं। ये लो, ये तो मेरा अट्टा पट्टा भी ले गए। अरे जाली नोट्स। दिल्ली में आ गया है, मैं कामनी को यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ, तुम इसे अपने पास संभाल के रख लो। अगर वो बुड्ढा यहाँ है तो उससे कहना कि डबल अमाउंट दोगे तब कामनी का एड्रेस मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है? बारूद। बारूद? बारूद। जब ये फटेगा तो बुड्ढा आसमान पर दिखाई देगा। कामनी जल्दी से तैयार हो जाओ, आगरा चलेंगे, वहीं ताजमहल की छांव में शादी करेंगे, वहीं हनीमून मनाएंगे और वहीं से एक दिन पेरिस चले जाएंगे, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। नाउ लिसन केयरफुली, एक सूटकेस लीजिए, उसमें 2.5 लाख के करेंसी नोट्स भर दीजिए, 100-100 रुपए के 2.5 लाख। किसी इंटेलिजेंट आदमी के हाथ वो सूटकेस फौरन दिल्ली रवाना कीजिए, रात के प्लेन से। कल सुबह 9 और 10 के बीच मैं कुतुब मीनार के सामने मिलूंगा। दोनों की पहचान, लाल गुलाब का फूल। जो मुझे सूटकेस देगा उसे कामनी का पता मिल जाएगा। याद रखिए, वरना जिंदगी भर पछताइएगा। 2.5 लाख, कुतुब मीनार, 9 और 10 के बीच। दोनों की पहचान, लाल गुलाब का फूल। अंकल, ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है, याद नहीं आता कहाँ सुनी है, लेकिन सुनी जरूर है। नहीं बेटा, तुमने कहाँ सुनी होगी, ये तो एक खानदानी हरामखोर की आवाज है। आप उसे जानते हैं? बिल्कुल। इंदर, हमने यहाँ पहुँच कर ये सबूत भी हासिल कर लिया कि वो ट्रंक कॉल कहाँ से बुक हुआ था और किसने बुक किया था। तो आप उसको पुलिस के हवाले कर सकते हैं। बिल्कुल। सजा क्या होगी चोपड़ा? इंडियन पिनल कोड के सेक्शन नंबर 366, रेड विद 342, रेड विद 384, किडनैपिंग, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड एक्सटॉर्शन के जुर्म में 7 वर्ष से 10 वर्ष तक रिगरस इम्प्रिजनमेंट। किडनैपिंग? उसने एक मासूम बच्ची को किडनैप भी किया है। ओह, वो तब तो पक्का बदमाश है, क्यों देखिए। और क्या? लेकिन बेचारा चक्की पीसेगा जेल में। सोचता हूँ 2.5 लाख चीज ही क्या है तुम्हारा सत्ता। नहीं नहीं अंकल, ऐसे स्काउंडल को तो गोली मार देनी चाहिए, क्यों दिल्ली। कामिनी,
आज मैं इस खूबसूरत नौजवान के साथ तुम्हारी शादी तय कर रहा। खुशी के मौके पर आदमी को संग तो नहीं करना चाहिए। कुंवर दिलजीत सिंह, आपका ख्याल क्या है? आप बजा फरमाते हैं। इंसान को रहमदिल होना चाहिए। पढ़ के साइन कर दो। क्या चीज है? पढ़ लो। ये पेपर्स कैसे हैं अंकल? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी जायदाद का हिसाब किताब है। अब इनको समझ लेना चाहिए सब कुछ। लेकिन तुम हमारे खाने पीने का इंतजाम नहीं करोगी? आखिर हम तुम्हारे मेहमान हैं। ओह आई एम सॉरी अंकल, मैं तो भूल ही गई। पढ़ लिया? लेकिन ये तो कन्फेशन है, जुर्म का इकरारनामा, और वो भी पुलिस कमिश्नर के नाम। इसने आपने जाने क्या क्या लिख दिया? कि मैंने उसे किडनैप किया, कि मैंने मार डालने की धमकी दी, कि मैंने आपसे 2.5 लाख रुपए छीन लिया। तो इसमें झूठ क्या है? सरासर झूठ है। अटैची केस में जाली नोट थे। जाली नोट? इंदर झूठ बोलता है पापा, सच्चे नोट थे। झूठ तू बोलता है। सच्चे नोट शादी के बाद मिलेंगे बेटा, हर महीने मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे। लेकिन दस्तखत नहीं करोगे तो शादी क्या सगाई तक नहीं होगी। अकल से काम लो, कागजात सेफ में रहेंगे, इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इंगेजमेंट यहीं कर देंगे धूमधाम के साथ, और बॉम्बे चल के शादी। तुम भी खुश, हम भी खुश। जब तक वफादार रहोगे कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन किसी दिन अपनी औकात भूल गए तो 7 बरस से 10 बरस तक। किधर जाता है? अंदर। वो अंदर तुम्हारा बाप बैठा है क्या? ये होटल दिल्ली है, बड़े बड़े लोग इधर रहते हैं। जाओ अपना काम करो। मैं तो राजकुमारी के दर्शन करने आया हूँ। छच्ची, वो कौन राजकुमारी हो? वही सुंदर सी, कोमल सी, फूल जैसी, चांद जैसी। तुम नहीं समझेगा। जय जय राम। हो जय जय का बच्चा। खुशी खुशी खुशी, माफ करो साहब, हमको मालूम नहीं था आप ऐसी ड्रेस पहन कर आया है। कोई नहीं रोकेगा। किसका भाव का बजा रहता है? जय जय। राजकुमारी से मिलना चाहते हो? आओ मेरे राजकुमारी, पहचान लिया ना मुझे? मैं हूँ तेरा दीवाना प्यारे। देख देख, तेरी इमानत लाया हूँ। लेकिन लेकिन
पूछो मेरे ये किस काम का? तो तेरे जाने के बाद मेरा जो हाल हुआ है तो कैसे बताऊं राजकुमारी? दिन रात बस तेरे लेकिन लेकिन की चिंता। तेरी ये मेहरबानी तो मेरे जी का जंजाल बन गई राजकुमारी। जो देखे से कहीं ले लूं, जो देखे से कहीं ले लूं। ले संभाल अपनी इमानत। आप? इन्हीं से तो शादी होने वाली है राजकुमारी की। अच्छा जी, आप दूल्हा हैं जी? जय जय, आपको देख के बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई है जी। राजकुमारी बधाई हो जी। सच कहता हूं जिंदगी में मैंने कभी इतनी खुशी नहीं देखी थी जी। छच्ची छच्ची, तन में खुशी, मन में खुशी, अंदर खुशी, बाहर खुशी, रोम रोम में खुशहाली नाचे है राजकुमारी। पर अब खुशी के मारे मुझसे बोला नहीं जाए। अब तो तूती बजाऊंगा मैं। शहनाई? शहनाई? नहीं जी नहीं, तो कुछ और ही बज रहा है। Can you hear what I can hear? जी? Stuart? Yes? शहनाई बज रही है ना शहनाई? शहनाई? जी हाँ बज तो रही। जी नहीं, मैं समझी थी कि कोई और है। शाबाश बख्तावर सिंह, अब इसको यहां से निकलने मत देना जब तक मेरा एंगेजमेंट ना हो जाए। Thank you.
तक देख जाते हैं, मिला है बहुत कुछ सीने में जो हम लेके जाते हैं। दीवानी, हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम, अपनी राम 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 सबको राम राम राम, अपनी राम 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 सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव अपनी राम 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 सबको राम राम राम। कभी जो कह न पाए बात वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई, कभी जो कह न पाए बात वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई, अदालत उठ चुकी है अब करेगा कौन सुनवाई, करेगा कौन सुनवाई, हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम, सबको राम 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 अपनी राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव अपनी राम 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 सबको राम राम राम। उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना, हुई हो भूल कोई तो उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना, कोई ध्यान था बातों पे उसकी ध्यान क्या देना, ध्यान क्या देना, हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम, अपनी राम 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 सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव अपनी राम 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 सबको राम राम राम। आज तो ये कैसी दर्द भरी शहनाई बजा रहा है दीवानी, वैसे क्यों नहीं बजाता जैसे तूने वहां बजाई थी अपनी शादी में। मेरी शादी? और देख इसे मैं नहीं लूंगी, ये तो मैं तुझे दे चुकी हूँ, ये सारा रुपया तेरा है। यही तो मेरे जी का दर्द है राजकुमारी, इसे वापस ले ले वरना मैं जी नहीं सकूं तेरी कसम। देखो दिलजीत यही है वो दीवाना, मैंने तुमसे कहा था ना आएगा शहनाई बजाने, ऐसा आदमी तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। अंकल, he is a wonderful man, a real son of India, इसे जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने इसे 2.5 लाख रुपया प्रेजेंट दिया था और ये वापस करने आया है, भला और कोई आदमी ऐसा कर सकता है? लेकिन पहले अटैची खोल के तो देखो। आपको दीवाने पे शक हो रहा है, लीजिए अपनी आंखों से खुद देख लीजिए।
चट नोट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वंडरफुल मैन, ये रियल सन ऑफ इंडिया जाली नोट्स लेकर आया है। मैंने तेरे जैसा बेवकूफ आदमी जिंदगी में कभी नहीं देखा। बाबा इस देश में अपने जैसे लोग तो बहुत हैं, पर तेरे जैसे दो चार ही मिलेंगे। देख, ईमानदारी का इस जमाने में कोई गाहक नहीं है, लेकिन मैं तेरी जिंदगी बना सकता हूँ। बोल, करेगा नौकरी? जो मांगेगा वही दूंगा। मैं तेरे किस काम आ सकूं बाबा? मैं पूरब तू पश्चिम, तेरे घर उजाला तो मेरे घर अंधेरा, और जिस दिन मेरे घर उजाला हो गया ना, उस दिन तेरे घर। चल चल। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है पापा कि आखिर वो रुपया क्या कहा? क्या तुम इतना भी नहीं समझते? जाली नोट्स तुम्हारे अंकल लाए थे इसी तरह के अटैची केस में, और बदल किसने दिया कि तुम सोच लो। Now listen carefully. एक सूटकेस लीजिए, उसमें 2.5 लाख के करेंसी नोट्स भर दीजिए, 100-100 रुपए के, 2.5 लाख। किसी इंटेलिजेंट आदमी के हाथ वो सूटकेस फौरन दिल्ली रवाना कीजिए, रात के प्लेन से। याद रखिए, वरना जिंदगी भर पछताइएगा। 2.5 लाख, कुतुब मीनार, 9 और 10 के बीच। इंदर, कामिनी, मैं तुम्हारी पसंद की दाद देता हूं। यह नौजवान वाकई एक हीरा है। जिस 2.5 लाख रुपए को तुम अपनी बेवकूफी से जाया कराई थी, उसे किस खूबसूरती के साथ इसने हथिया लिया। मुझे यकीन है कि तुम्हारी दौलत की हिफाजत ये बड़ी वफादारी के साथ करेगा। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि ये बुजदिल, झूठा और बेईमान है। रुपया क्या चीज है कामिनी? लव इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन लाइफ। हर अकलमंद आदमी दौलत की कदर करना जानता है कामिनी। लेकिन वो बेचारा दीवाना तो 2.5 लाख रुपए वापस करने आया था। दीवाना जो ठहरा। हरी सगाई कुंवर दिलजीत सिंह के साथ हो चुकी है, अब शादी भी इन्हीं के साथ होगी। अंकल, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये वही गुंडा है जिसने आपको ट्रंक कॉल किया था। इसी की वजह से आप सबके सामने बेचारे दीवाने की इतनी बेइज्जती हुई, और फिर भी आप मेरी शादी इस कमीने से कर देना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको एक वफादार गुलाम की जरूरत है। मैं ऐसी शादी से मौत को बेहतर समझती हूँ। देखो बेटा, इस कमीने को तुम्हीं ने पसंद किया था, अब अगर तुम इसे नहीं चाहती तो ना सही, चलो तुम्हारी शादी इंदर से किए देते हैं। मैं किसी दौलत के कुत्ते से शादी नहीं करूंगी।
तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी जिसे मैं पसंद करूंगा, और अगर मौत को बेहतर समझती हो तो खिड़की खुली है। प्यारे दिल के इशारे प्यासे हैं अरमां, आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे प्यासे हैं अरमां, आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। दिल जान ले तू हमको पहचान ले तू, हाल दिल जान ले तू हमको पहचान ले तू, हम कोई गैर नहीं बात ये मान ले तू, हम कोई गैर नहीं बात ये मान ले तू, बात ये मान ले तू, हम हैं बेचारे दुनिया के मारे प्यासे हैं अरमां, आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे प्यासे हैं अरमां, आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। अपने लल्ला की करतूत, अगर 7 साल की कैद न हो जाए तो मुझे दरोगा का बाप मत कहना। क्यों, ऐसा क्या कर दिया है मेरे बेटे ने? अरे ये अखबार देखो ना, अब के दिल्ली से किसी नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया है। हाय अल्लाह, लेकिन वो है कहां मुर्दार का बेटा? अब ये तो राम जाने। खाना तैयार है दीवाने? मेरा नाम प्यारे है। प्यारे, मुझे भूख लगी है प्यारे जी। धीरज रख, औरत जात खंखों करके अच्छी नहीं दिखे, तेरा फूका रहने की आदत डाल, देश की हालत खराब है। तू मुझे फूका मारने लाया है यहाँ? मैं लाया या तू खुद भाग कर आई है मेरे पीछे? मैं भाग के आई हूँ। तो मैं भगा के लाया हूँ। अभी जाती हूँ, अपनी माँ का बेटा है तो लौट के दिखा मुझे। अपने बाप की बेटी है राजकुमारी तो जाके दिखा, मेरी कसम अभी लौट कर आई। अभी लौट के आएगी, बड़ा खूबसूरत है ना, तो चांद का टुकड़ा, बड़ा अमीर है ना,
बहुत नामी की नामी है ना, तो फिर ऐसी क्या बात है तुझमें? वही बात है राजकुमारी, जिसके कारण आकाश पर चंदा चमके, धरती पर फूल खिले, सागर में नदी डूबे और तेरी जैसी तंदरमुखी मेरे जैसे के पीछे मारी मारी फिरे। मारी मारी फिरे है मेरी जूती। सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। मैं गुजरता ही गया तेरी हसी राहों से, एक तेरे नाम ने क्या क्या मुझे हिम्मत दी है। मेरे दिल को भी जरा देख कहाँ तक हूँ मैं, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। अगर चाहे तो दुनिया को न जा दे जालिम, चाल दी है तुझे मालिक ने कयामत दी है। मैं अगर चाहूँ तो पत्थर को बना दूँ पानी, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐसा नाम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐसा नाम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कामनी के बालिग होते ही ये दीवाना कानून की गिरफ्त से निकल जाएगा और फिर मिस गुप्ता की सारी जायदाद भी आपको नहीं मिलेगी। तुम्हारी क्या राय? दीवाने की गिरफ्तारी का इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। आज ही रात पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाओ। मेरे फैसले का इंतजार करो। आइडिया तो बहुत अच्छा है पापा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें? तुम तो मेरे बेटे हो, तुम ही तो मेरी सारी जायदाद के मालिक होने वाले हो। कब? मेरे मरने के बाद। आपके मरने के बाद? शायद इसकी नियत ठीक नहीं। प्रैक्टिकल बात तो ये है कि जब खून करना ही है तो बुड्ढे का ही क्यों ना कर दिया जाए। दौलत मुझे मिल जाएगी और पकड़ा जाएगा दीवाना।
उसे खून भी कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो किसी खूनी का काम दिखे है जी। और तू यहाँ बैठा पूजा कर रहा था क्या? मेरा कोई दोस्त नहीं होता रोगा जी, मैं तो गहरी नींद में सोया था, बस एक गोली की आवाज सुनी तो जाग गया। यहाँ आके देखूं तो ये बेचारा मरा पड़ा है। अच्छा ये बता, तू कोट और टोपी पहन कर सोता है क्या? जी तूने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है? मुझे अफसोस है चाची, उस पर खून का इल्जाम है। तूने देखा है? तेरे बाप ने देखा है? जिसने देखा है ना मेरे सामने। हब्बल तो मेरा बेटा खून कर नहीं सकता, और अगर किया है तो वो कुत्ता मार देने के काबिल होगा। लाला माँ, मैंने कुछ नहीं किया। जीता रहे, सलामत रहे, तेरी बलाएं मेरे सर। मैं अभी तुलना बैठी हूँ लाला, एक एक की खबर लूंगी, एक एक को देख लूंगी। क्यों दरोगा साहब, तुम तो इसे बचपन से जानते हो। अरे कभी एक चूंटी की जान लेते हुए भी देखा है इसको, जो ये किसी आदमी की जान ले लेगा? भाभी, अरे तू मुझे गिरफ्तार कर लेता, मुझे फांसी चढ़ा देता, पर सरकार के दरबार में धांधली नहीं चलती दरोगा जी, वहाँ इंसाफ होता है इंसाफ। मैं अपना सब कुछ फूंक दूंगी, जान के बाजी लगा दूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन है माई का लाल जो मेरे बेटे को हाथ में लगा सकता है। दारोगा साहब, रोज नामची में प्यारे के बाप का नाम क्या लिखा जाए? लिख दे मेरा नाम फातिमा बेगम, मैं ही इसकी माँ हूँ, मैं ही इसका बाप। पर भाभी, ये कानून का मामला है, यहाँ तो सब सच सच बताना ही पड़ेगा। सच तो ये है मुंशी जी, एक नंबर का कमीना था इसका बाप, जो पैसों के लिए अपनी घरवाली और मासूम बच्चे को छोड़कर भाग गया, दौलत का कुत्ता। आपका बेटा? ये दीवाना आपका बेटा है? मेरा इकलौता बेटा, जिसे खून के इल्जाम में तुमने गिरफ्तार करवा दिया, वो मेरा सगा बेटा है। लेकिन अब तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। देखो चोपड़ा, तुम मेरे मैनेजर हो, मेरे वकील हो, मेरे दोस्त हो, किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लो, चाहे कितना भी रुपया खर्च हो जाए। रुपए से कुछ काम नहीं चलेगा सरकार, दीवाने को बचाने की सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है। वो क्या? असली खूनी को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। सजा क्या होगी चोपड़ा? खूनी को फांसी या जिंदगी भर के लिए रिगुलस इम्प्रिजनमेंट। तुम ठीक कहते हो चोपड़ा, अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। गांव की पंचायत नहीं है, सेशन जज की कचहरी। अरे पर देवर, बात मत करो, बैठ जाओ। भगवान को भरोसा रखो भाभी।
Yes, Mr. Prosecutor. Your Honor, मुलजिम मौजूद है इस्तगासे की शहादत पे हाजिर, लेकिन सफाई का वकील नहीं। मुलजिम प्यारेलाल, तुम्हारा वकील कहाँ है? क्या बताऊं सरकार जी, आजकल के वकील सच बोलना तो क्या सच सुनने के लिए बड़े पैसे मांगे हैं। पूछ लो मेरी माँ से। तो फिर तुम्हारे मुकदमे की सफाई कौन पेश करेगा? सफाई? मैं पूछू सरकार जी, सच्चाई में सफाई की क्या जरूरत है? आप पूछो, मैं बताऊं। तुम कुछ पढ़े लिखे भी हो? मैं तो अंगूठा छापूं जी। अच्छा देखो, सरकार तुम्हें अपने खर्च पे वकील देगी। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मिसल में मुलजिम के बाप का नाम क्यों नहीं लिखा गया? योर ऑनर, तफ्तीश में मुलजिम के बाप का नाम मालूम नहीं हो सका। मुलजिम प्यारेलाल, क्या तुम अपने बाप का नाम नहीं जानते? मैं क्या जी, कोई भी नहीं जानता, और जो कोई जाने हैं सो मेरी माँ जाने हैं। उधर को बैठी है, उसी से पूछ लो जी। क्यों माए, मुलजिम के बाप का नाम क्या है? सरकार, माए बाप, मैंने तो कसम खा रखी है, जिंदगी में न उस मुंजी का नाम कभी लिया है न कभी लूंगी, पर इस वक्त भी वो हुजूर के दरबार में बैठा है, बिल्कुल आंखों के सामने। ऐसा कौन आदमी है जो अदालत में बैठा है और तुम उसका नाम तक नहीं ले सकते? अच्छा, इशारे से तो बता सकती हो। इस आदमी को देख लो सरकार, अच्छी तरह पहचान लो, यही है तारे का बाप। और आप इस मामले में क्या कहते हैं? योर ऑनर, शायद इस औरत को धोखा हो रहा है, न मैं इसको जानता हूं न इसके बेटे को। अरे क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? इसकी आंखों से ये काला चश्मा उतार कर देखो सरकार, अगर इसकी शक्ल मेरे प्यारे से न मिले तो जो चोर की सजा हुई वो मेरी सजा। देखो, जो बात पूछी जाए उसी का जवाब देना चाहिए। उसी का तो जवाब दे रही हूँ सरकार, इस झूठे फरेबी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, यह भटेसर गांव का रहने वाला है, यह अपनी घरवाली और इतने से मासूम बच्चे को छोड़कर भाग गया सरकार, उस बच्चे को मैंने पाल पोसकर बड़ा किया, वही जवान लड़का आपके सामने खड़ा है सरकार, वही जवान बच्चा आपके सामने खड़ा है सरकार। रिश्तेदार, मुलजिम के लिए एक वकील का बंदोबस्त कर दिया जाए। मेरा नाम है SD माथुर, सरकार ने मुझे तुम्हारा वकील मुकरर किया है। अच्छा जी, जो कुछ भी मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देना। काका, आज तो बड़ी जल्दी खाना लिया, माँ का क्या हाल है? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है, आज तो उसने तेरे लिए हलवा बनाकर भेजा। हलवा काजल का? वकील साहब, खा के जवाब दू या जवाब दे के खाऊं? हाँ तो सर, माया दास इंदर आपका इकलौता बेटा था? जी हाँ। और आप उसके बाप हैं? जाहिर है। अच्छा, तो आपका बेटा इंदर आपके साथ ही रहता था? बेशक। किस दिन से? पैदाइश के दिन से लेकर मौत के दिन तक। अगर मैं ये कहूँ कि आपने इंदर को पहली मर्तबा उस दिन देखा जब उसकी उम्र 25 बरस की थी, उसी उजड़े मकान में जहाँ मुलजम प्यारेलाल से आपकी पहली मुलाकात हुई, और जहाँ आपने मुलजम को 500 रुपए माहवार की नौकरी पेश की, और जब प्यारे ने इनकार कर दिया तो आपने इंदर को पसंद कर लिया, इसलिए कि कामने की दौलत हथियाने के लिए आपको एक बेटे की जरूरत थी। ये आपकी मनगढ़ंत कहानी है, हर दौलतमंद के बारे में लोग ऐसी अफवाहें उड़ा दिया करते हैं। मैंने पहली बार मुलजिम प्यारेलाल को होटल दिल्ली में देखा और दूसरी बार पुलिस स्टेशन पर। मिस कामनी गुप्ता, सोच कर जवाब दीजिए। जी, मैं सो रही थी। और जागने पे क्या देखा? मिस कामनी गुप्ता, तुमने इंदर का खून होते हुए अपनी आंखों से देखा, तुमने देखा कि मुलजिम अपने हाथ में खंजर लिए हुए उसकी लाश पे झुका हुआ है, कहो तुमने देखा कि नहीं देखा? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। डॉक्टर सक्सेना, लाश पर कितने जख्म थे? दो जख्म थे,
एक सामने यहाँ सीने पर और दूसरा पीठ में। आप ये किस बिना पर कह सकते हैं कि दोनों जख्म इसी औजार से किए गए हैं? क्योंकि इस ब्लेड की चौड़ाई और जख्म की चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। डॉक्टर सक्सेना जी, क्या ये मुमकिन नहीं कि ये दोनों जख्म एक ही वार का नतीजा हो? एक ही वार? नामुमकिन। सोच के देखिए। अजी, इसमें सोचने की क्या बात है साहब? ये हथियार मौके पर मुल्जिम के हाथ से बरामद हुआ, पुलिस ने मेरे सामने पेश किया और मरने वाले के खून के धब्बे इस पर पाए गए। फिर भी सोच के देखिए, क्या एक ही वार से दो जख्म हरगिज नहीं हो सकते? हो सकते हैं साहब, मगर ये तब मुमकिन है कि हथियार काफी तेज, नोकीला और इतना लंबा और चौड़ाई इतनी हो, इस छुरी के बराबर। तो मुमकिन है योर ऑनर, ये खून इस हथियार से नहीं हो। योर ऑनर, मैं अदालत की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि खून के धब्बों के अलावा इस छुरी पर मुल्जिम के हाथ की उंगलियों के निशान भी मौजूद है। योर ऑनर, जब ये छोटी सी छुरी मुल्जिम के हाथ से बरामद हुई तो इस पर हाथों के नहीं तो क्या पांव के निशान होंगे? मैं कुछ अर्ज करूं सरकार जी? तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, बोल। अर्ज ये है सरकार जी कि मेरे को बस 8 दिन की छुट्टी दे दी जाए, मैं सारा मामला समझ बूझ कर गुनगुड़ा कर वापस आ जाऊंगा यहीं को और दरबार में छच्ची छच्ची बता दूंगा कि खून किसने किया है और कर दिया है तो क्यों। एक बार अजमा कर देखो सरकार माई बाप, मैं भागूंगा नहीं जी, कसम से। देखो, ये नहीं हो सकता, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। मुकदमा कल तक के लिए मुलतवी किया जाता है। एक बात पूछूं हवलदार जी, आपके पास कोई रस्सी है? रस्सी? क्या फांसी लगाने का इरादा है बेटा? तो भाग जाना चाहता है, लेकिन पुलिस से भाग कर जाएगा कहाँ? अगर पकड़ा गया तो कोई यकीन नहीं करेगा कि तू बेगुनाह है और सरकार चढ़ा देगी तुझे फांसी के तख्ते पर। दीवाना तो बड़ा प्याना निकला, पिंजरा बंद पंछी खाया, कमाल है, जेल से बाहर किया। ओहो, इस बेवकूफ लड़के ने जेल से भागकर गुनाह का सबूत पेश कर दिया है, अब तो सरकार भी उसे माफ नहीं करेगी। जिस दिन पकड़ा गया सीधा फांसी के तख्ते पर जाएगा। नीली छतरी वाले, मैं तुझे माँ की कसम देवे हूँ, सारी बात समझा दे मुझे, खून किया तो किसने किया? तू जाने है, मैं तो सो रहा था आराम से कि इतने में आई गोली की आवाज, आन के देखूं तो मुर्दा पड़ा था यहाँ पे इन बल्लियों के बीच। गोली चलाई होगी इसी ने यहाँ खड़ा होकर, और सामने होगा मारने वाला, उसने किया वार लगा छाती पर सुयूं। यही बात होवेगी प्यारे, बिल्कुल यही बात। सो गोली वाला तो ये रहा और सामने होगा पर्ची वाला। हाँ, यहाँ खड़ा होगा हमने सामने पर्ची वाला, उसने चलाई गोली, निशाना गया चूक, सो हाथ में लगी गोली, जरूर हाथ में लगी होगी, बाएं हाथ में। फिर इसने निकाला कोई तेज नुकीला हथियार, जैसे तलवार के भाला के पर्ची, और तोल के दिया मार छाती के बीच में, हाँ, और खींच लिया, फिर घबरा गया और घबराहट में हथियार को दिया फेंक। ये क्या चीज है प्यारे? हाँ, ये तो गोलमाल दिखे है, देख तो सही, देख तो सही, आखिर चीज क्या है? संभाल के आ, देख लिया प्यारे,
जय 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 नीली छतरी वाले की। अंकल अभी अभी ऐसे लगा जैसे यहाँ कोई आया है। आपने तो खून के निशान है अंकल। ये गुप्ती तो चोपड़ा की है। चोपड़ा की जरूर है मगर ये तो गुम हो चुकी है। जिस रात इंद्र का खून हुआ था उसी दिन सुबह मुझे मालूम हो गया कि मेरी ये गुप्ती गुम हो गई, इसलिए मैंने फौरन गांव के थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवा दी थी जिसकी नकल ये मेरे पास मौजूद है। कामिनी तुम अपने कमरे में जाओ। चोपड़ा जय जय बाबा जी। तुम यहां कैसे? मैं उजड़े घर के पीछे गया था बाबा जी, जब तेरे उस बेटे का खून हुआ था ना। असली खूने का पता चला नहीं? फिर पता चला? हाँ जी, पहली बात तो ये है कि खून हुआ इस बच्ची से, और ये बच्ची किसकी है ये तो तू भी जाने है बाबा। और दूसरी खास बात यह है कि जिसने खून किया है ना उसके बाएं हाथ में गोली का जख्म जरूर होगा। तेरे हाथ में गोली तो नहीं लगी बाबा? देखो बेटा, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूं। तुम मेरे असली बेटे हो, इंद्र मेरा बेटा नहीं था। तुमने बहुत अच्छा किया जो यहां चले आए हो। मैं आज ही हवाई जहाज में बिठाकर तुम्हें यूरोप भिजवाने का इंतजाम किए देता हूं, क्योंकि इस मुल्क में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर पकड़े गए तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए जाओगे, मगर अब फिक्र मत करो। फिलहाल तुम ये रुपए अपने पास रख लो बेटा, मैं कामनी को तुम्हारे साथ भेज देता हूं। तुम यही ठहरो, मैं तुम्हारे भिजवाने को बंदोबस्त करके अभी आता हूं। यारे ये तो सगा बाप है तेरा और इसके हाथ से खून हो गया है किसी तरह, अब तू अपने बाप को फांसी पर चढ़वा देगा? अरे बेटा तो वो जो अपने बाप के लिए कुर्बान हो जावे है, वहां से क्या कहेगा, तो रो रो के पागल हो जाएगी। लाला बेटा तू आ गया, सरकार ने छोड़ दिया तुझे। अल्लाह लाख लाख शुक्र है तेरा बेटा। ये माटी मिले कहते थे तेरा बेटा फांसी पाएगा, पर लाला मेरा दिल कहता था मेरा बेटा बेगुनाह है। देख मैं तेरे लिए खाना पका कर रखती थी, खा खाना बेटा। मैं तो क्षमा मांगने आया हूँ माँ। क्षमा? मैंने जिंदगी भर तेरे को दुख ही दुख दिया है, आज आखिरी दुख देने आया हूं। आखिरी दुख? सुना है आदमी जो बात माँ से कह देवे वो सिद्धि भगवान जी को पहुंच जावे। ऐसी क्या बात है रे? कल सरकार के सामने जो इकबाल करने वाला हूं आज तेरे सामने कह देता हूं, मैं बेगुनाह नहीं हूं, मैं खूनी हूं। वो खून मैंने किया था मां, मैंने किया था। ये नामुमकिन है,
उसने कोई राज? तू आंख क्यों नहीं मिला तारे? अब खा मेरी कसम। तेरी कसम मां, मेरे बदन में जो खून है ना, उसकी एक एक बूंद खूनी है। लाला, तू तो सारी दुनिया को प्यार करता था, ये तुझे क्या हो गया? शायद वो कुत्ता मर जाने के ही काबिल था मां। खूनी, हत्यारे, तू इन मिडलों के काबिल नहीं। जा, तुम मेरा बेटा नहीं और मैं तेरी मां नहीं। जा। अच्छा, जीवन भर का कहा सुना माफ करना मां। जय जय। कह दिया ना, अल्लाह ने तेरी बात सुन ली। आदमी तो खता का पुतला है रे, गलती हो गई सो हो गई, अब और किसी से कहने सुनने की जरूरत नहीं है। माँ, तू क्यों चिंता करता है रे? नाना, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे, इन सब झगड़ों से दूर। ना तेरा दुनिया में कोई है बेटा, ना मेरा कोई है लाला। अरे, सबसे बड़ी कचहरी तो अल्लाह की है देवर, वो रहीम भी है करीम भी है, तू चिंता क्यों करता है? देख मेरी बात सुन, दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है ना, अरे उसी का तो अल्लाह होता है। लाला, ओ प्यारे, उठ बेटा उठ, गाड़ी का वक्त हो गया, उठ। अरे उठ ना। What? प्यारे पकड़ा गया? जी नहीं, वो अपने पांव से चलकर पुलिस स्टेशन आया और खुद ही मांगकर हथकड़ियां पहन ली। यू मीन उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया? मगर क्यों? जी सुना है कि वो कोई खास बयान देना चाहता है अदालत में। ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है चोपड़ा। तुम्हें याद है पुलिस तुम्हारी गुप्ती हमारे घर से उठाकर ले गई थी? जी नहीं, वो तो गुम हो चुकी है सरकार, और रिपोर्ट की नकल मेरे पास है। वो मेरे पास मौजूद है चोपड़ा। कोई बात नहीं सरकार, पुलिस का रोजनामचा भी तो अदालत में मंगवाया जा सकता है। हाँ, लेकिन रोजनामचा भी गुम हो जाए तो? माया दास, तुझे तो ऐसी जगह मारे जहां पानी तक न मिले। तेरे जैसा आदमी ही अपने बेटे को फांसी पर चढ़ा सकता है। लाने से तेरी दौलत पर, तेरी इज्जत पर, तेरी औकात पर छू है। आज मैं सरकार जी के दरबार में एक ऐसी बात कहने को आया हूं जो दुनिया में किसी को नहीं मालूम। तब यही पूछे कूनी कौन है, कूनी कौन है, कूनी कौन। जवाब सुन लो सरकार जी, ये खून मैंने किया है जी। तुमने किया है? इंद्र का खून तुमने किया है? हाँ जी, मैं इकबाल करता हूँ, मैं खूनी। इंद्र वाला जाने मेरे बदन की एक एक बूंद खूनी की। नहीं। मुल्जिम प्यारे लाल, अदालत ये जानना चाहती है कि तुमने इंद्र का खून क्यों किया? प्यार की खातिर। प्यार की खातिर आदमी क्या कुछ नहीं कर गुजरे है सरकार जी। प्यार की खातिर जीवे, प्यार की खातिर मर मिटे, और प्यार के बिना तो कलेजा भी सूना सूना हो जावे। आदमी न जी सके है न मर सके, और प्यार न होवे तो अपने भी पराये हो जावे। कोई बेटा बाप पर गोली चढ़ावे और कोई बाप अपने ही बेटे को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देवे।
पर प्यार होवे तो पराये भी अपने हो जावे। अब जैसे इस बुढ़ी फातिमा बीवी की तरफ देख लो सरकार जी, मैं कौन लगूं इसका? कोई नहीं। पर प्यार का नाता बड़ा जालिम होवे है सरकार जी, कोई इसके दिल से पूछ के देखे मैं कौन लगूं इसका। पर मुझे मालूम मेरे बिना ये तड़प तड़प कर मर जाएगी, जीती नहीं बचेगी। मेरे बाबा इस दरबार में भगवान को हाजिर नाजिर जान के कहवे कि खून मैंने किया है। मैं पूछूं मेरे बाबा कभी झूठ बोल सके? बाप तो वही होवे जो सच की खातिर अपने बेटे को सूली पर चढ़ा दे। तो मैंने तो अपने फर्ज के सामने सर झुका दिया है बाबा। माँ अब तू भी अल्लाह की मर्जी के सामने सर झुका दे। आदमी अपने फर्ज को भूलकर चाहे दुनिया का बादशाह हो जावे, पर एक न एक दिन ऐसा आवेगा ही आवेगा जिस दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाता है। और उस दिन सब ठाट थरा रह जावेगा, जब लात चलेगा बंजार, सब ठाट थरा रह जावेगा जब लात चलेगा पंजाब। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोलता है। इसने किसी का खून नहीं किया, ये किसी का खून कर ही नहीं सकता। खून तो बहुत बड़ी चीज है योर ऑनर, ये तो किसी का दिल तक नहीं दुखा सकता। इसने खून हरगिज नहीं किया, हरगिज नहीं किया, हरगिज नहीं किया। मिस गुप्ता, ये तो जज्बात हैं तुम्हारे, सबूत नहीं। कानून सिर्फ सबूत चाहता है। योर ऑनर, मुल्जिम ने एक बाल जुर्म कर लिया है, अदालत इसे मुजरिम करार देती है। फैसले के लिए मुकदमा 4 बजे तक के लिए मुलतवी किया जाता है। अरे तू तू लकड़ी महल बनाया, साई कहे घर मेरा। अरे ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। आदमी अपना फर्ज भूल कर चाहे दुनिया का बादशाह हो जावे, पर एक न एक दिन ऐसा आवेगा ही आवेगा जिस दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाएगा। और उस दिन अब ठाट थरा रह जावेगा, जब लात चलेगा। योर ऑनर, एक बाले जुर्म के बाद किसी बहस मुबहसे की गुंजाइश नहीं रह जाती। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि फैसला सुना दिया जाए। योर ऑनर, मैं भी एक बयान देना चाहता हूं। इंदर का खून मैंने किया है। मैंने जिंदगी में एक तो नहीं कई जुर्म किए, कानून मुझे आज तक गिरफ्तार नहीं कर सका। लेकिन आज लाख कोशिशों के बावजूद मैं अपनी ही औलाद की गिरफ्त से नहीं बच सका। इस लड़के में जो खूबियां हैं मेरी तो हो ही नहीं सकती, या तो उस औरत की है जिसने इसको जन्म दिया है, या फिर उस मां की है जिसने इसको पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने तो जिंदगी में जो कुछ भी किया है उसके लिए कानून की सारी सजाएं भी मेरे लिए काफी नहीं। मेरे जैसे आदमी को तो उस जगह मारना चाहिए जहां पानी की बूंद तक ना मिले। सर, माया दास को गिरफ्तार कर लिया जाए।
देखो बेटे, मैं तो खुशी खुशी जाना चाहता हूँ और तुम रो रहे हो। नहीं बाबा, नहीं, मैं क्यों रो? रोए मेरे दुश्मन, देख मैं तो खुश हूँ, जी जान से खुश हो रहा हूँ कि जन्म भर का पिछड़ा बाप मिल गया मेरे। तेरा इंतजार करूंगा पापा, उसी उजड़े घर के पीछे। इंतजार करोगे जिंदगी भर? अब एक पते की बात कह दूं बेटा, बेईमान आदमी का भरोसा कभी मत करना।